Hello everyone, this is Abhishek Verma and you're watching your own YouTube channel English Studios. आज कुछ वर्ड्स सीखेंगे, कुछ रूट वर्ड्स भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि शब्दों को कैसे ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं. तो आइए देखते हैं. पहला जो क्वेश्चन है ये SSC में पूछा गया है सिनोनिम्स में. मिज़ैंथ्रोप, इसके चार ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है वन हु हेट्स होल मैनकाइंड, बी वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स मैन, वन हु लव्स मैनकाइंड. तो कैसे इनको हम बनाएंगे और क्या ट्रिक है या क्या रूट वर्ड है जिनकी सहायता से इन वर्ड्स को हम आसानी से याद रख सकते हैं. तो आइए देखते हैं. जो पहला रूट वर्ड जिसकी मैं चर्चा करूंगा ये है मिसन. दूसरा जो रूट वर्ड है फिलन और तीसरा एंथ्रोपोस, चौथा गाइन और पांचवा ये भी हम देख लेंगे सिनी. तो आइए फटाफट इनका मीनिंग हम समझते हैं. मिसिन का मतलब होता है टू हेट. ये ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड्स होते हैं. फिलिन का मतलब होता है टू लव. एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति. गाइन का मतलब होता है वुमन. आपको याद होगा गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऐसे बनते हैं शब्द. और सिने रिलेटेड टू मूवी, रिलेटेड सिने रिलेटेड टू फिल्म्स. अब हम देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है इसको हम कैसे बना सकते हैं. वन हु हेट्स होल मैनकाइंड, जैसे हमने देखा हेट का जो रूट वर्ड है वो है मिसन. एक रूट वर्ड मिला, उसके बाद क्या है मैनकाइंड. यानी कि जो हम अगर ऑप्शन ए की बात करें तो हेट्स यानी कि मिसन प्लस मैनकाइंड यानी कि एंथ्रोपोस. हेट प्लस मैनकाइंड यानी कि वन हु हेट्स होल मैनकाइंड. तो इससे जो हम शब्द बनाएंगे वो होगा मिसैंथ्रोप. जो वर्ड बनेगा मिस एन थ्रो. मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आ जाना चाहिए. तो आपने देखा हेट मिसन, आप रूट वर्ड देख रहे हैं मिसन टू हेट. मैनकाइंड के लिए जो रूट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोस. तो मिसन प्लस एंथ्रोपोस मिसैंथ्रोप, या इसको हम मिसैंथ्रोपिस भी कहते हैं मिस एन थ्रोपिस्ट. मिसैंथ्रोप बोल सकते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट भी बोल सकते हैं. अब दूसरा जो हमारा जो ऑप्शन है वन हु हेट्स वीमेन, अगर हम बी की बात करें वन हु हेट्स यानी कि फिर से मिसन रूट वर्ड जो है हेट और वीमेन के लिए जो रूट वर्ड आता है वो आता है गाइन. तो जो अ पर्सन हु हेट्स उसके लिए जो वर्ड बनेगा वो होगा मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट मिसोजिनिस्ट यानी कि वन हु हेट्स वीमेन. और जो नाउन बनेगा मिसोजिनी कह सकते हैं आप, मिसो जीनी यानी कि ये प्रैक्टिस नाउन हो गया मिसोजिनी. यानी कि वन हु हेट्स वीमेन मिसन प्लस गाइन मिसोजिनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन मिसोजिनिस्ट. तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम सी. यहां पे देख रहे हैं वन हु हेट्स मेन. अब एक जो रूट वर्ड मेन के लिए मैन के लिए आता है वो रूट वर्ड होता है एंड्रोस. एंड्रोस ये जो रूट वर्ड है आपको एक हार्मोन याद आएगा एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन होता है. तो एंड्रोस वहां से बना है यानी कि उससे एंड्रोजन रूट वर्ड बना है. ये रूट है एंड्रोस और एंड्रोजन जो हार्मोन. अब हम बात करेंगे तीसरा जो ऑप्शन है वन हु हेट्स मेन. अब हेट के लिए आप देख रहे हैं
Mason plus Andrews, यानी कि जो हम शब्द बनाएंगे वो होगा मिसैंड्रिस्ट. वन हु हेट्स मैन, मिसैंड्रिस्ट. हेट का मतलब प्रिजुडिस अगेंस्ट मैन, तो उसको हम मिसैंड्रिस्ट कहते हैं. चौथा ऑप्शन जो है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि अगर हम डी की बात करें, वन हु लव्स मैनकाइंड. लव के लिए आप देखें फिलन जो रूट वर्ड है हमारा फेलन, ये लव प्लस मैनकाइंड एंथ्रोपोस तो बनेगा फिलंथ्रोपिस्ट, फीलन. फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड. लव यानी कि वो बहुत सारा पैसा डोनेशन में देता है, जिससे बहुत सारा सोशल वर्क होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. ये आपने देखा, ये चार ऑप्शंस के हिसाब से. अब क्वेश्चन है मिसैंथ्रोप, यानी कि आप इसमें अब जरा गौर से देखें कि मिसैंथ्रोप में क्या क्या आपको मिल रहा है. मिसन टू हेट और एंथ्रोपोस, यानी कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो हमारा उसको हम मिसैंथ्रोप कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा. और कुछ और वर्ड्स हम बनाने की कोशिश करते हैं जो रूट वर्ड मैंने लिखा है उससे. अब देखें यहाँ पे फिलन है, अब फिलन से अगर हम जैसे हमने बनाया मिसन प्लस गाइन, मिसोजिनिस्ट, वन हु हेट्स वीमेन, वन हु लव्स वीमेन भी तो बना सकते हैं. अगर हम फिलन के साथ गाइन को ऐड करें तो हम एक पांचवा वर्ड भी बना सकते हैं, फिलन प्लस गाइन, फिलोजिनिस्ट, वन हु लव्स वीमेन, उसको कहेंगे हम फिलोजिनिस्ट. तो ये आपने देखा फिलन यानी कि टू लव प्लस गाइन, फिलोजिनिस्ट. प्रैक्टिस जो नाउन होगा उसको फिलोजिनी कहेंगे हम. एक वर्ड और बना सकते हैं यहां पे सीने, रिलेटेड टू फिल्म्स मूवीज, उसको सिने जो रूट वर्ड है. उसके बाद फिलन, अगर हम इसको ऐड करें तो क्या बना सकते हैं, सिने प्लस फिलन, यानी कि मूवीज प्लस लव, तो बनेगा जो वर्ड हमारा सिने फाइल, यानी कि अ पर्सन हु लव्स मूवीज, person who loves movies or films. तो ऐसे व्यक्ति को सिनेफाइल कहेंगे हम. तो आपने देखा रूट वर्ड्स की सहायता से हम कितने सारे शब्द वर्ड्स बना सकते हैं और कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए इन शब्दों को समझना, और इसके माध्यम से बहुत सारे शब्द हम खुद बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल समझ सकते हैं उनको, और कोई कठिनाई नहीं होगी हमें. अगर रूट वर्ड्स पता हो तो उसके बेसिस पे, अगर हमें वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो तो रूट वर्ड्स अगर हमें पता हो तो उससे हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि इस शब्द का, इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है. एक शब्द और बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, बनाने की कोशिश मतलब जो शब्द बनते हैं उनकी बात करेंगे हम. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फिलन, जिसका मतलब होता है टू लव, और एंड्रोस, और इन दोनों को मिलाएं तो क्या शब्द बन सकता है, आइए जरा देखते हैं. फिलन टू लव प्लस एंड्रोस, तो जो अ पर्सन हु लव्स मैन उसके हिसाब से होना चाहिए फिलैंड्रिस्ट, फिलैंड्रिस्ट. अ पर्सन हु लव्स मैन फिलैंड्रिस्ट, फिलन प्लस एंड्रिस्ट, एंड्रोस मैन, वन हु लव्स मैन फिलैंड्रिस्ट. ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कुछ उल्टा हो जाता है, कुछ गलत होता है. फिलैंड्रिस्ट ये तो हालांकि बड़ा रेयरली यूज होता है, इसका मतलब ये होता है कि अ मैन हु हैज मेनी इलिसिट रिलेशनशिप्स विद वीमन, यानी कि ऐसा पुरुष जिसकी बहुत महिलाओं के साथ गलत संबंध हो, ऐसे व्यक्ति को फिलैंड्रिस्ट कहते हैं. और जो वर्ड इसके लिए यूज होता है वो फिलैंड्रर होता है, फिलन
Derer, philanderer, a man who has many illicit relationships, illicit matlab galat relationships with women, philanderer ya philanderist kehte hain. To hindi mein isko ishqbaz aap samajh sakte hain aise vyakti. Aaj ka video agar aapko pasand aaya ho to like kare, share kare aur channel ko subscribe kar le. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. नमस्ते.